Hello and welcome to the CSR Journal presents Brands Impact Safar Kamyabi Ka Season 1. और हमारे fashion partner है Absoluto, the finer side of fashion. दोस्तों, मैं हूं अमन यतन वर्मा. आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक प्रेरणादायक कहानी लेकर. आज के हमारे गेस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए तीन जादुई शब्द हैं, अनकंट्रोलेबल, स्ट्रांग एंड ड्रिवन. हम बात कर रहे हैं मुंबई के दो नामी ग्रामी हॉस्पिटल्स में बतौर सीईओ काम कर रही डॉक्टर मिनी बोधनवाला की. कम और मीठा बोलने वाली डॉक्टर मिनी दुनिया को बदलने वाले विचार रखती हैं. ये बैंगलोर में जन्मी और समाज सेवा का सपना लेकर हैदराबाद में पली बढ़ी. इस सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने मेडिकल प्रोफेशन चुना. लाखों लोगों को मुस्कान देने के लिए इन्होंने डेंटल सर्जरी में ग्रेजुएशन की. सन 2012 से ये मुंबई के दो नामी हॉस्पिटल्स बाई जरबाई वाडिया हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन एंड नोरोसजी वाडिया मटर्निटी हॉस्पिटल में सीईओ की पोस्ट संभाल रही हैं. इनकी कामयाबी का सफर भी आसान नहीं था. डॉक्टर मिनी के अनुसार आज के दौर में एक महिला का डॉक्टर होना एक आम बात है, लेकिन आज से तकरीबन 30 साल पहले यह प्रोफेशन पुरुष प्रधान ही था. हालांकि आज भी 66% डॉक्टर्स पुरुष ही हैं, फिर भी महिलाएं अब पीछे नहीं हैं और इनका भविष्य इस क्षेत्र में बहुत उज्जवल है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड नाउ लाइक टू कॉल अपॉन द रेसिपिएंट ऑफ मोर देन 140 प्रेस्टीजियस नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर, डॉक्टर मिनी बोधनवाला. जोरदार ताली. डॉक्टर मिनी वेलकम, आपका स्वागत है हमारे शो पर. आपसे बहुत सारी बातचीत तो करेंगे ही, बहुत कुछ आपके बारे में जानेंगे, योर सक्सेस स्टोरी, कहां से आपने शुरुआत की, अब कहां पे हैं, आगे क्या करना है. लेकिन उससे पहले आपके सक्सेस स्टोरी का एक छोटी सी क्लिपिंग हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे और फिर आपसे सवाल पूछेंगे. आइए देखते हैं. Carrying forward the philanthropic tradition of the Wadia family, the Wadia hospitals provide world-class services for pediatric, making affordable health care accessible to people from every section of society. Located in the heart of Mumbai, the Bai Jerbai Wadia Hospital, the pediatric wing for children pledges to extend its services to people regardless of their socio-economic status. Believing strongly in the fact that quality healthcare should not be restricted to only certain sections of society, the BJWHC offers state-of-the-art services for neonatal and pediatric care at affordable prices. A teaching hospital of worldwide repute, this 300-bed hospital is propelled by a highly accomplished team of over 60 pediatric specialists devoting themselves to the care of over 100,000 children on an outpatient basis and approximately 10,000 children as inpatients annually. Carrying forward the philanthropic tradition of the Wadia family, the Wadia hospitals provide world-class services for obstetrics and gynecology, making affordable health care accessible to people from every section of society. With a dedicated team of over 20 specialists, this 305-bed hospital, declared as a heritage structure, sees more than 10,000 inpatients and over 100,000 outpatients annually. In addition, as a teaching hospital, it also has a constant influx of aspiring doctors who train under some of the best specialists in not only the city but also the country. वेलकम डॉक्टर. सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, समय निकाला. इट्स अ प्लेजर हैविंग यू हियर. डॉक्टर, आप मुंबई के दो नामी अस्पताल जो हैं, बाई जेरबाई वाडिया हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन एंड नोरोसजी वाडिया मटर्निटी हॉस्पिटल, इसमें बतौर सीईओ हैं. तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किन परिस्थितियों से आपको लड़ना पड़ा और अपनी मंजिल किस तरह से आपने हासिल की. बचपन से मेरा सपना था एक कार्डियक सर्जन बनने का, लेकिन उसमें एडमिशन नहीं मिला और मेरा एडमिशन डेंटल सर्जरी में हुआ. लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी. 30 साल पहले मैंने डेंटल सर्जरी लिया, लोगों को मुस्कान दी, लेकिन उससे मुझे मुस्कान नहीं आई. मुझे मुस्कान लोगों के दिलों से था.
जी उसके लिए फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन लिया, जहां पे मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की है. और अभी मुझे ये मंथ डॉक्टर ऑफ प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योरशिप भी दिया जा रहा है. सो दैट मींस दिस मंथ आई विल बी अ डबल डॉक्टरेट, विच इज अ प्रिविलेज टू माय प्रोफेशन. कांग्रेचुलेशंस फॉर, मतलब इतना सब कुछ आपने हासिल किया है. सो मैं ये जानना चाहूंगा, डू यू कम, आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो डॉक्टर से ही है? आप डॉक्टरी फैमिली से आई हैं या फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है? नहीं, मेरे फैमिली में डॉक्टर नहीं है. अच्छा, कोई भी डॉक्टर नहीं है? नहीं. लेकिन ये प्रोफेशन आपने खुद अपने मन से चुना? हाँ, क्योंकि आप लोगों के दिल की खुशी देखना चाहती थी. यस, वंडरफुल. आज हमारे देश में जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, इट इज डूइंग फिनोमिनली वेल और काफी हद तक आगे बढ़ी है. मेडिकल साइंस इस समय बहुत अच्छा कर रहा है. कुछ समय अगर देखा जाए कि कुछ ऐसी बीमारियां होती थी जिनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था, आज उन बीमारियों का जो क्योर है, उनका हल जो है, वो भी एक तरह से सामने आ गया है. तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, 30 साल पहले और आज 30 साल के बाद, तो जो नई पीढ़ी है जो इस समय मेडिकल साइंस में उतरना चाहती है, आप जैसा बनना चाहती है, तो उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? डू यू थिंक दिस इज द राइट टाइम इस प्रोफेशन में आने के लिए, मेडिकल प्रोफेशन में? आई थिंक मेडिकल प्रोफेशन इज अ हाईली नोबल प्रोफेशन. जी. लेकिन अगर आपको मेहनत करके आना है और उसके बाद जो आप पढ़ाई में मेहनत करोगे, उधर एंड नहीं होता हमारा जर्नी, वहां से हमारी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट होती है, शुरू हो जाती है. और उसके बाद तो कंटिन्यूअस मेहनत ही है, क्योंकि आप जीवन बचाना चाहते हो, आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते हो और उनके घर वालों के चेहरे पे मुस्कान. तो स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से भारत में तकरीबन अगले 4 और 5 साल में 6 से 7 लाख एक्स्ट्रा बेड्स, अतिरिक्त बेड्स जो हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी हमारे मेडिकल इंडस्ट्री को. तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्या देश के जो हमारे संचालक है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो इस चीज को जानती है? और अगर वो जानती है तो क्या सामने से उन्होंने किसी तरह की मदद करने की कोशिश की है या आपने सामने से मदद मांगी है? गवर्नमेंट जानती है कि आज नियरली 10 लाख बेड की जरूरत है. और ये 10 लाख बेड गवर्नमेंट फुल लगातार कोशिश कर रही है. अगर गवर्नमेंट खुद से नहीं कर सकती है तो वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पे कर रही है, एंड दैट इज एन एक्सीलेंट अप्रोच बाय द गवर्नमेंट. उससे क्या है कि लोग जिसके पास पैसे है वो CSR थ्रू या फिलैंथ्रोफी थ्रू आगे आते हैं, बेड्स बढ़ाते हैं अपने हॉस्पिटल्स में, प्लस अपने पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स को भी लेके जाते हैं आगे. जैसे समझो आप एक रूरल एरिया में हो, उसका अस्पताल अडॉप्ट करते हैं और वहां पे पूरा स्ट्रक्चर डालते हैं. और हम लोग भी वही कर रहे हैं अभी. व्हेन यू से कि अस्पताल पूरा अडॉप्ट करते हैं, उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब है फुल इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेडी होता है गवर्नमेंट के पास. जी. हम लोग मैन पावर, इक्विपमेंट सब कुछ देते हैं, इंक्लूडिंग दवाइयां और वो सब. और अगर बाय चांस अगर गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ आपने मांगा है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से वो सारी चीजें नहीं आती हैं, देन हाउ डज इट वर्क? फिर आप लोग किस तरह से अपना काम आगे बढ़ाते हैं? ये क्या है कि एक बड़ा चैलेंज है. गवर्नमेंट देती है, नहीं देती है, बिकॉज कभी कभी शायद देती होगी और कभी नहीं, कभी देती, नहीं देती है. कभी नहीं देती है. बट वी शुड हैव आर स्ट्रैटेजिक प्लान इन प्लेस टू ओवरकम दैट चैलेंज. और वो चैलेंज ओवरकम करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें सोचना पड़ता है, जैसे मैन पावर है, मशीन है, मनी है. तो वो सबको लेके हमें आगे चलना पड़ता है. तो ये जो 2 अस्पताल जिसमें आप काम कर रही हैं, मैं ये जानना चाहूंगा कि उसमें ज्यादातर जो पैसे का खर्चा होता है वो हॉस्पिटल की तरफ से ज्यादा होता है या गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ उनकी तरफ से भी होता है? नहीं, हमें ग्रांट मिलता है गवर्नमेंट एंड MCGM की तरफ से. ओके. एंड ऑल दी अदर फैसिलिटीज व्हाट वी से आर ऑल बाय द ट्रस्ट. इट इज अ पब्लिक हॉस्पिटल. अच्छा. ओके. मतलब रन बाय बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ओके. लेकिन आप चाहेंगी कि ग्रांट जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है वो और ज्यादा हो? यस, डेफिनेटली डेफिनेटली, वो तो हर कोई चाहेगा. एक और चीज हमने अक्सर देखी है कि हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, जो यंग बच्चे हैं, वो लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, और कोई भी प्रोफेशन हो, पढ़ाई लिखाई करके, एजुकेशन लेकर, अपना देश छोड़कर विदेश में चले जाते हैं. और एक बार वहां पर पढ़ते हैं तो फिर उनका मन नहीं करता कि वो वापस आए. इसकी मेन खास वजह क्या है आपके हिसाब से? ये ब्रेन ड्रेन जो आप कहते हो जी,
उसके लिए दो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है. एक तो पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का देना चाहिए, फैसिलिटीज उस तरीके का देना चाहिए जो वहां पर है. वहां पर है बट एटलीस्ट नॉट इफ इन कॉम्बिनेशन टू दैट समथिंग वेयर एक आदमी आराम से अपना काम कर सके. पॉइंट नंबर टू, रेम्यूनरेशन विच इज टूडे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंगस्टर्स. आज एक आदमी सोचेगा कि आज मैं इतना पैसा खर्चा करता हूं मेरी डिग्री पे, मुझे उसके सामने क्या मिल रहा है और कितना जल्दी मैं वो पैसा वापस रिकवर कर सकते हो. और सिर्फ वही नहीं, लोग ज्यादातर लोन्स लेके पढ़ाई करते हैं तो वो लोन रिपेमेंट के लिए उनको ऑप्शन मिलना चाहिए. एंड आपको लगता है कि फिलहाल आज गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की क्लैरिटी उनके लोन की रिकवरी के लिए या ऑप्शंस कुछ खास इतने प्लान्स सही ढंग से नहीं पेश हुए हैं सामने? नहीं, अभी की गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान रख रही है. दे आर गिविंग रिलैक्सेशन ऑफ टाइम बट रिलैक्सेशन ऑफ टाइम एंड अ लोअर इंटरेस्ट रेट ऑल्सो इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव. दे नीड टू थिंक ऑफ समथिंग मोर इफेक्टिव. हमारे लोग वापस यहीं पे रहे और दूसरा क्या है, अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए. जैसे हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रही है, गवर्नमेंट जो यंग ब्लड है उनको अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए प्रूव करने के लिए और चीजें ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करके दिखाने के लिए उनकी तरक्की के लिए. इट्स ट्रू, क्योंकि मैं भी अक्सर कभी कभी जब बाहर दूसरे देश जाता हूं और वहां पे भले मुझे ट्रेन में बैठना होता है या प्लेन में बैठना होता है, हर चीज इतनी आसानी से वहां पे हो जाती है. और फिर मैं कभी कभी सोचता हूं कि काश मेरे देश में ऐसा होता, काश एक सिंपल सी लाइन होती जहां पे मैं खड़ा होता. मतलब हमारे देश में अगर मुझे एक अपना लाइसेंस बनाना है उसमें इतनी दिक्कत और परेशानी हो जाती है. और कुछ लोग हैं जो घर पे बैठे लाइसेंस लाके बना के दे देते हैं. आप मुंबई के जो दो प्रसिद्ध अस्पताल हैं, बाय जेरबाई वाडिया हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन एंड नौरोजी वाडिया मटर्निटी हॉस्पिटल, उसमें बतौर सीईओ काम कर रही हैं. तो इन दोनों हॉस्पिटल्स का देश के प्रति किस तरह का योगदान रहा है? हैज दिस हॉस्पिटल इन अ सर्टन वे, हाउ मच हैज इट गिवन टू द कंट्री टिल डे टुडे? ये हॉस्पिटल हमारा एक रेफरल सेंटर फॉर होल ऑफ इंडिया है. जहां पे कोई भी बच्चे का ट्रीटमेंट कहीं पे नहीं होता तो इट इज वाडिया हॉस्पिटल द लास्ट रिसोर्ट. कहीं पे नहीं होता तो आपके यहाँ पे होता है. ओके, आदमी उम्मीद लेके आता है. ओके, मतलब किसी भी तरह की बीमारी हो, किसी भी तरीके की, एक्सेप्ट दोज वेयर यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर हैंड्स टू सेव. जी, अगर आप लास्ट स्टेज पे आए तो मे बी वी मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. ओके, और ये पक्की बात है कि हिंदुस्तान में अगर कहीं पे ये इलाज नहीं होता है वो आपके यहाँ पे इलाज होता है. वंडरफुल वंडरफुल. प्लस हमारे वहाँ हमारा लार्जेस्ट एनआईसीयू इन द वर्ल्ड है. टोटली एनआईसीयू नियोनेटल आईसीयू. ओके, दैट इज अप टू यू कैन से 5 kgs बेबी वेट वी टेक. ओके, ये जो एनआईसीयू उसको अगर हिंदी में अगर हम कुछ बोलेंगे उसका नाम, अगर आप हमारे जितने देखने वाले हैं उनके लिए. नए जन्मे बच्चों का आईसीयू है. जो नए जिन बच्चों का जन्म होता है, जो बच्चे दुनिया में आते हैं उनका ये आईसीयू है. तो वहां पे क्या होता है? वहां पे सब तरीके की ट्रीटमेंट चलती है विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स. मे बी इम्यूनिटी बॉर्न डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, या मे बी यू नो यू कैन से अ कंजेनिटल डिसऑर्डर. एनीथिंग कैन हैपन. So as soon as a baby is born, sometimes even as you know it is premature, so they may need an NICU. And today there is a shortage not only in Maharashtra but in whole of India. And we are proud to host the largest NICU in the world, 150 beds. 150 beds. Yes. 150 beds. Yes. Oh, बहुत ही कमाल की बात है. मैंने सुना है कि आप जो भी आपने सक्सेस अपनी जिंदगी में पाया है आप उसका श्रेय जो है अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपने करीबी लोग हैं उनको देती हैं, और खास तौर पर आपके कोई प्रोफेसर श्री रामामूर्ति जी हैं, तो आप सारा का सारा श्रेय इन सब लोगों को देती हैं. इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले श्रेय मेरे फैमिली को देती हूँ जी, और उसके बाद डॉक्टर श्री रामामूर्ति को देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया कि कभी भी गोल को छोड़ना नहीं, आपके सामने वही रहना चाहिए और कुछ भी आपके रास्ते में आए यू नीड टू रीच इट एंड अचीव इट.
Ramamurthy ji, is he still working? Is he? No, he is not anymore. He is not anymore. तो मतलब काफी आपकी जिंदगी में उनकी तरफ से बहुत कुछ उन्होंने आपने सीखा होगा उनकी तरफ से. चलिए आजकल की जो भागदौड़ की जो जिंदगी है, मुंबई के दो प्रमुख हॉस्पिटल्स आपने संभाले हुए हैं. अगेन वी कम बैक, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि हॉस्पिटल्स में इतना समय आपका गुजरता होगा, तो समय निकालकर अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए आप कुछ समय निकाल पाती हैं, उन्हें दे पाती हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम गोज इन द हॉस्पिटल लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन? मोस्ट ऑफ द टाइम गोज इन द हॉस्पिटल, बट वी डू रिमोट टाइम टू स्पेंड विद आवर फैमिलीज. तो अगर मैं कहूंगा कि हफ्ते में 7 दिन हैं, तो उसमें से कितने दिन आप हॉस्पिटल में होती हैं और कितने दिन अपने परिवार के साथ? You can say most of the time we are in hospital because we are working on phone, if not in the hospital. So it's equivalent to working. मेरे एक दो दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं और it's only basically a Sunday maybe we get. और बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं और सडनली फोन आता है, किसी फिल्म में जाने वाले होते हैं और उनको कहीं निकल के जाना होता है. That's how the but that's the profession you've chosen. किस चीज में आपका ज्यादा विश्वास है, कि मेहनत में या भाग्य या हाथ की लकीरों पे, किस पे आप ज्यादा विश्वास करती हैं? मेहनत में, क्योंकि अगर मेहनत नहीं हो तो आप आगे बढ़ नहीं सकते, और अपनी कामयाबी मैं मेहनत पे ही एसेस करती हूं. तो आपने, आपको लगता है कि आपने अपनी जिंदगी में जो कुछ पाया है अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर? यस, इट्स ऑल हार्ड वर्क. इट्स जस्ट हार्ड वर्क एंड रॉ हार्ड वर्क, वॉट एवर चैलेंजेस केम. ओके, आई एम नोन टू टेक अप चैलेंजेस and I'm known to see in crisis. I'm known as a crisis master. अच्छा, तो कहीं पे भी कोई क्राइसिस हो तो आप वो हैं. जस्ट कम टू डॉक्टर मिनी, आपकी क्राइसिस पूरी एक तरह से सॉल्व हो जाए. इन हेल्थ केयर, दैट इज द इमेज आई हैव. वंडरफुल, आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक. जितने नए लोग, जितने नई पीढ़ी यहाँ पे आपकी जगह पे आना चाहती हैं या आप जैसा बनना चाहती हैं, आप जैसा नाम कमाना चाहती हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी? रुकावटें बहुत है जी, और कांटे भी बहुत है रास्ते में, लेकिन अपने गोल को ख्याल रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए. कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि सक्सेस नहीं आएगा. फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, इसीलिए फेलियर को भी हमें सक्सेस गिनना चाहिए. वो कुछ ना कुछ तो हमें पॉजिटिव सिखा के जाता है. बहुत बड़ी बात कही है इस समय आपने. तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज जो बहुत ही भयंकर फेलियर से जुड़ी हो, जिसके जिस दौर से आप गुजरी हैं और वहां से उभर के आप निकली हैं, कोई एक ऐसा एक इंसिडेंट या क्षण आपको याद हो जो आप बता सकती हैं यहाँ पे? एक क्षण नहीं, बहुत सारे इंसिडेंसेस ऐसे हैं. दैट व्हेन वी यूज्ड टू गो फॉर इंटरव्यूज, हम लोग इंटरव्यू में जाते थे तो लोग बोलते थे, अरे ये तो मेल कैंडिडेट नहीं है, ये तो लेडी है, ये हॉस्पिटल कैसे संभाल पाएंगे? लेकिन हमने प्रूव करके बताया है, लेडी एम्पावरमेंट, लेडीज आर नो लेस देन मेल्स, तो वी कैन डू इट. जी, और ऐसे में जब कोई एक मर्द या एक कोई आदमी ये बात आपके चेहरे पर कहता है, तो आप कैसे रिएक्ट करती हैं? मतलब डू यू वांट टू, आप तुरंत वहां जवाब देना चाहती हैं, या आपने अपने काम से आप उसको करके दिखा के उसे शांत करेंगे, कैसे करती हैं आप? नो, इट्स अ वेरी सॉफ्ट अप्रोच जी, बट शो द रिजल्ट एंड प्रूव इट इन अ सॉफ्ट वे. एज यू सेड, आई एम सॉफ्ट स्पोकन जी, आई डील विथ इट इन अ सॉफ्ट वे बट इंटरनली अ हार्ड वे. जो स्थान है डॉक्टर का, उससे हटकर एक औरत की तरह या एक माँ की तरह कुछ ऐसा कार्य आपने किया है? हाँ, मैंने किया है. 4 साल पहले मेरे पास दो ट्विन्स, एक ट्विन आया था, कंजॉइंट ट्विन्स. ओके, they were about 4 days old, they were delivered at the house at Palghar, and un logon ko logon ne bola are inko maar do, lekin ek ngo hamare paas lekar aaya. Okay, aur fir koi bhi hospital KEM Sion Nair unko lene ke liye taiyar nahi tha. mere doctors bhagte aaye, madam aisa hai, hum le sakte hai kya? तो मैंने बोला डेफिनेटली, लेकिन वो बहुत गरीब है, उनके पास खर्चा नहीं है. मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, अस्पताल खर्चा बेयर करेगी, हम लेंगे उसे. उसके बाद 2 महीने बाद हम लोगों ने उनका ऑपरेशन किया. तो ये जो जुड़े हुए yes. थे, कहां जुड़े हुए थे? देवर जिस्म के किस हिस्से में? देवर बॉर्न विथ द एब्डोमेन साइड जॉइंट.
ये शरीर का हिस्सा एंड ऑल द उसके अंदर पूरे ऑर्गन्स जो एब्डोमेन के थे शेयर्ड थे. मतलब दो बच्चियां थी, लड़कियां हैं, लड़कियां तो दो लड़कियां हैं और दोनों की जिस्म जो है यहां से जुड़ा है यहां. और लेकिन अंदर जो ऑर्गन्स हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो एक ही हैं, एक ही थे. तो ये केस और भी डिफिकल्ट हो जाता है. यस, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑर्गन्स वर वन. तो अभी इनको हटाया गया है या अलग किया गया? हाँ, 7 मंथ्स के बाद हमने उनकी सर्जरी की. एंड वी हैड 2 टीम्स ऑफ डॉक्टर्स, दैट वॉज टोटली 14 डॉक्टर्स, 2 टेबल्स रेडी. ओके. एंड माई सर्जन वॉज वेरी फ्राइटेंड. शी सेड मैडम क्या होगा? आई सेड बस तू मेरे चेहरा देखना. तो बोलती है आपको ये बच्चों से इतना प्रेम है, अगर कुछ हो जाएगा मैं वही सोच रही थी. और फिर हम लोग जीत पाए उसमें भी. बच्चे आज भी हमारे साथ 4 साल के हैं. आज दोनों लड़कियां 4 साल हाँ, के हैं. और पूरा खर्चा अस्पताल उठाती है. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे जुड़े हुए थे बाकी सारे जिस्म के जो हिस्से थे वो सब नॉर्मल हैं? सब नॉर्मल है. और अभी 4 साल के हैं एंड एब्सोल्युटली हेल्दी. यस, एंड वो चल भी पाते हैं, अभी तो स्कूल भी जा रहे हैं. तो आपने उनका नाम रखे? हाँ रखा है. क्या नाम है? रिद्धि सिद्धि, क्योंकि जो फर्स्ट ग्राफ्ट का पैसा आया था सिद्धि विनायक ट्रस्ट से आया था. अच्छा. तो हमने सोचा उससे अच्छा नाम हो ही नहीं सकता. जी हाँ. एंड सिद्धि विनायक टेम्पल, मतलब हमारे लिए तो बहुत है सिद्धि विनायक. मुंबई में जो भी रहता है, ये मैं कहना चाहूंगा कि मुंबई में जो भी जब वहां जाता है रहता है, सबसे पहले सिद्धि विनायक मंदिर जो है वहां पे जाके नतमस्तक होता है. यस. तो देखा आप लोगों ने किस तरह से, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जोश के साथ, तो सफलता, सक्सेस आपके कदम डेफिनेटली चूमेगी. डॉक्टर मिनी, आप यहां पे आए, इतना समय हमें दिया, इतनी सारी बातें आपने बताई, इट वॉज अ प्लेजर नोइंग यू. हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा कि आप यहां पे आई हैं, इतना समय हमें दिया है, ये एक हमारी तरफ से. दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती. कितनी भी कठिनाइयां आए, कर्मवीर की तरह बढ़ते चलो. चरित्र, दृढ़ता और परिश्रम ही सफलता की कुंजी है. अतः बगैर फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करते रहो. डॉक्टर मिनी बोधनवाला महिला शक्ति का एक सजीव उदाहरण है. उनकी उपलब्धियों की गाथा प्रेरणादायक है और इसी कारण इसे राष्ट्र के हर महिला तक पहुंचाने की जरूरत है. अगर आपकी भी ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी है और आपको लगता है कि हमारे देश की जनता को आपकी कहानी से प्रेरणा मिल सकती है, तो हमें लिख भेजिए info@safarkamyabika.com पर. आप हमें फोन भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9599506639. अगर आपकी कहानी वाकई प्रेरणादायक है तो हम आपको अपने शो पर जरूर बुलाएंगे. दोस्तों, द CSR जर्नल प्रेजेंट्स ब्रांड्स इंपैक्ट सफर कामयाबी का के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, जिसमें हम आपको एक और विजेता से मिलवाएंगे जिनकी कहानी आपके दिलों को छू जाने वाली है. तब तक के लिए मैं अमन यतन वर्मा आपसे इस शेर के साथ इजाजत चाहूंगा. भंवर से लड़ो, लहरों से उलझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे. शब बखैर, गुड बाय. आपको वॉल पुट्टी का स्पेशलिस्ट चाहिए? ये लीजिए सकर्णी वॉल गार्ड. आपसे दीवारों के लिए सिर्फ सकर्णी वॉल गार्ड. सकर्णी वॉल गार्ड, रखे दीवार जानदार शानदार. वादा नहीं.